मिनासान कोनिच्छिवा फ्रेंड्स, मैं हूँ आरजे और जापान एक बहुत ही इंटरेस्टिंग देश है। अक्सर लोग इस छोटे से देश को और इसकी ताकत और कैपेबिलिटी को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जापान दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा डेवलप देश है। ये छोटा सा एक हमारे राजस्थान स्टेट के बराबर आकार का देश साल भर में जितनी संपत्ति जनरेट करता है उतनी तो हमारा पूरा देश भी नहीं कर सकता है। पर यही रीजन है कि जापान जीडीपी के मामले में दुनिया में नंबर 2 पर आता है आफ्टर यूएसए एंड चाइना। यहाँ के लोगों को हर चीज को मैक्सिमम बेनिफिट के साथ यूज करना बखूबी आता है। और जहाँ यूएसए जैसे देश हर चीज को एक कदम आगे से सोचते है तो वही जापान उसी चीज को 4 कदम आगे से सोचता है। पर यही रीजन है कि जापानीज टेक्नोलॉजी दुनिया की सबसे ज्यादा एडवांस एंड सबसे ज्यादा मार्केटेड टेक्नोलॉजी होती है। 30-35 साल पहले जब जापानीज इकोनॉमी को धक्का लगा तो उस इकोनॉमी को बचाने के लिए जापानीज लोगों ने ऐसी ऐसी नई नई तरकीबें और आइडियाज निकाले कि आज वहाँ जो भी कोई जाता है उसे लगता है कि मानो वो 1000 साल बाद आने वाली दुनिया को आज ही देख रहा है। तो आज के वीडियो में जापान की 5 ऐसी बातें बताऊंगा जिसे जानकर आपके होश उड़े के उड़े ही रह जाएंगे और आप भी अपने दिमाग में ठान लेंगे कि लाइफ में एक बार तो जापान जाना ही है और ये सारी चीजों को नजदीक से जरूर देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं जापान की 5 ऐसी बातें जिससे साबित हो जाएगा कि जापानीज लोग 2021 नहीं बल्कि 3021 में जीते हैं। नंबर 5, वेंडिंग मशीन। फ्रेंड्स, अपने स्कूल या कॉलेज या तो रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट में वेंडिंग मशीन का इस्तेमाल तो जरूर किया होगा। लेकिन जहां हमारे देश इंडिया में कुछ चंद जगह पर ही वेंडिंग मशीन देखने को मिलती है तो जापान में आपको हर 200 से 300 मीटर की दूरी पे एक वेंडिंग मशीन देखने को जरूर मिलेगा। पूरे जापान में 5.5 मिलियन से भी ज्यादा वेंडिंग मशीनें लगाई गई है, जिसका मतलब कि वहाँ के हर 25 लोगों के लिए एक वेंडिंग मशीन बनाया गया है। लेकिन आखिर ये लोग इतना सारा चॉकलेट्स और चिप्स कैसे खा लेते हैं? आखिर वेंडिंग मशीन में तो यही सब मिलता है ना? वेल, नॉट इन जापान। जापान के वेंडिंग मशीन में से आपको कुछ भी मिल सकता है। कुछ भी से मेरा मतलब है कुछ भी। चिप, चॉकलेट और सोडा तो बहुत ही आम बात है। यहाँ के वेंडिंग मशीन में से आपको सब्जी, दूध, अंडे, अंडरवियर, फ्लावर्स, बर्गर्स, अम्ब्रेलास, यहाँ तक कि पपीज भी मिल जाएगा। नंबर 4, कैप्सूल होटल। जापान दुनिया का इकलौता ऐसा देश है कि जहाँ पर कैप्सूल होटल का ट्रेंड चल रहा है। ये होटल्स असल में कॉम्पिक और बहुत ही छोटे होटल्स होते हैं, जहाँ रूम स्पोर्ट्स की तरह होते हैं और एक के ऊपर एक स्टैक किए होते हैं। आपका रूम बस इतना बड़ा होता है कि आप उसमें आसानी से लेट सके और बिना छत से टकराए बैठ सके। और इन छोटे से रूम्स और पोर्ट्स में आपको जरूरत की हर चीजें आसानी से मिल जाती है, जैसे कि चार्जिंग पोर्ट्स, बेड, पिलो, सामान टांगने के लिए हुक, एक छोटा सा सेल्फ और एक लाइट। बाथरूम और टॉयलेट कम्युनल होते हैं, लेकिन बहुत ही साफ सुथरे होते हैं। ये होटल आमतौर पर रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट के आसपास बनाए जाते हैं ताकि अगर किसी कारणवश आपको रात में किसी अनजान जगह पर रुकना पड़े तो आप इन्हीं होटल में आराम से रुक सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो के बाद आप गूगल जरूर करना और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि क्या ये कैप्सूल होटल किसी साईफाई मूवी के सीन जैसे नहीं लगते हैं। नंबर 3, जापानीज टॉयलेट। जापानीज टॉयलेट दुनिया के सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे हाई टेक्नोलॉजी वाले टॉयलेट होते हैं। ये टॉयलेट सिर्फ आपकी सुसु बॉडी का ही नहीं बल्कि आपकी दूसरी हर जरूरतों का भी ध्यान रखते हैं। आपको टॉयलेट यूज करना है मगर आप अपने छोटे से बच्चे को अकेला नहीं रख सकते तो नो प्रॉब्लम। यहाँ के हर टॉयलेट में दीवार से अटैच बेबी चेयर जरूर होती है जिसमें आप अपने बच्चे को बैठाकर आराम से टॉयलेट कर सकते हैं। लूज मोशन, नो प्रॉब्लम। इन टॉयलेट में बटन्स होते हैं जिसे दबाकर आप म्यूजिक भी प्ले कर सकते हैं, जिससे कोई भी बाहरी इंसान आपके पेट से निकलने वाली अजीब सी आवाज को ना सुन सके। कई टॉयलेट में ऑटोमेटिक सिस्टम भी होती है जो आपके टॉयलेट यूज करने के बाद टॉयलेट में खुशबू फैला देती है। ये टॉयलेट इको फ्रेंडली होते हैं और फ्लश टैंक के ऊपर ही हाथ धोने वाला सिंक अटैच होता है ताकि जो पानी आप हाथ धोने के लिए यूज करें वही पानी रिसाइकल होकर फ्लश टैंक में भी यूज हो जाएगा। अब इसे कहते हैं फ्यूचर इनोवेटेड टेक्नोलॉजी। नंबर 2, स्मार्ट फ्रा। जी हाँ फ्रेंड्स, इस देश में टेक्नोलॉजी सिर्फ मशीनों में ही नहीं बल्कि कपड़ों में भी पाई जाती है। ये स्मार्ट फ्रा, जिसका नाम है ट्रू लव टेस्टर, ऐसी टेक्नोलॉजी से बनाई गई है जो औरत इसे पहनती है उस औरत की हर फीलिंग्स को ये ब्रा हर पल मॉनिटर करती रहती है और ब्लूटूथ के जरिए अपने स्मार्टफोन में ये इन्फॉर्मेशन फील करती रहती है।
इन इमोशन की इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके ये एप्लीकेशन सेंसर को बताता है कि क्या लड़की चाहती है कि सामने वाला उसकी ब्रा खोले या नहीं। अगर लड़की इंटरेस्टेड है तो आप लकी है और ब्रा ओपन, और अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो सॉरी माय फ्रेंड्स, आज तुम्हारा लक खराब है। आप भी अगर जापान जाए तो ये ब्रा अपनी गर्लफ्रेंड को जरूर गिफ्ट कर सकते है और अपने प्यार की ताकत को टेस्ट कर सकते है। नंबर 1, ग्लो इन द डार्क टैटूज। और फ्रेंड्स, ये चीज तो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी क्योंकि मैं भी टैटूज का बहुत शौकीन हूँ, और आप में से भी कई सारे लोग अपनी बॉडी पे टैटूज बनवाने के शौकीन तो जरूर होंगे, क्योंकि ये टैटूज लाइक ड्रीम टैटूज की तरह होते हैं। ये टैटूज बच्चों के चिप के पैकेट में आने वाले मामूली और साधारण टैटूज नहीं होते हैं। ये ग्लो इन द डार्क टैटूज परमानेंट होते हैं, और इन टैटूज को बनवाने के लिए जो इंक यूज होती है उसमें स्पेशल अल्ट्रावायोलेट टेक्नोलॉजी इनपुट होती है, जिससे अंधेरे में भी ये टैटूज ग्लो करते हैं, और इनमें भी कई सारी वैरायटीज होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका टैटू सिर्फ अंधेरे में दिखे तो आप वैसा भी टैटूज बनवा सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपका टैटूज नॉर्मली भी दिखे तो आप वैसा भी टैटूज बनवा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप में से जो भी परमानेंट टैटूज बनवाने के शौकीन है तो चलिए अपनी टिकट बुक करें और निकल जाइए जापान की ओर। जापान एक बहुत ही छोटा देश है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको जो देखने को मिलेगा वो पूरी दुनिया में कहीं पे भी देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि ये देश और यहाँ के लोग है ही सबसे अमेजिंग। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करना, और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना। हम फिर लौटेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड